भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणम सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं, अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स, 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506027159, 111229620। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, USA। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विदयः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च सतसत् वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास्त्रि द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्वयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्न पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः नारक्तैर्यज्ञोन मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णान पूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस्वभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणां आदितस्तिस्रणा मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरूपं कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य
नाम गोत्रियो रष्टौ शेषाणा मंत्र मुहूर्ता विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा। नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतो न्यत् पापम् इति तत्वार सूत्रे अष्टमोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। हमने जाना कि पांच प्रकार के आवरण पांच प्रकार के ज्ञानों को आवृत करते हैं। मति ज्ञान और मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञानावरण एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अगर कर्म का इफेक्ट ज्यादा होगा तो ज्ञान कम होगा, और ज्ञान ज्यादा होगा तो कर्म का इफेक्ट कम होगा। हमारे अंदर आज मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्य ज्ञानावरण के कारण प्रत्यक्ष आत्मा से सभी पुद्गल पदार्थों को देखने वाला अवधि ज्ञान और किसी के मन की बात जानने की क्षमता वाला मनःपर्य ज्ञान पूर्णतः आवृत है। केवल ज्ञान भी पूर्ण आवृत है, इसी कारण प्रत्यक्ष आत्मा से कुछ भी बात नहीं होती, बस इंद्रियों से काम चल रहा है। इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के चयोपशमिक आवरण तो हमारी अनुभूति में आते हैं, लेकिन अवधि ज्ञानावरण आदि हमें अनुभूति में भी नहीं आते। इन आवरणों के कारण हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितना बड़ा खजाना पड़ा हुआ है। मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण कर्म के चयोपशम से ही इन आवृत चीजों और उनके आवरणों को जान पाते हैं। हमने जाना कि पांचों भी प्रकार के आवरण हर जीव में होते हैं, यहाँ तक एक इंद्रिय में भी और भव्य और अभव्य जीवों में भी। भव्य जीव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की मोक्ष जाने की योग्यता होती है, और अभव्य जीव में यह योग्यता नहीं होती। हम जानते हैं अभव्य जीव को कभी केवल ज्ञान मनःपर्य ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उसके इन कर्मों के आवरण तो होते ही है, जिसका मतलब है कि इन आवरण के पीछे ज्ञान भी है। बिना केवल ज्ञान के केवल ज्ञानावरण का क्या प्रयोजन? यानी केवल ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान अभव्य जीव में भी होता है। यह शक्ति रूप होता है, अभिव्यक्ति रूप नहीं, यानी उसके अंदर वैसा पोटेंशियल है लेकिन कभी अपीयरेंस नहीं होगी। इसका आवरण इतना सॉलिड डेंस सशक्त होता है कि अभव्य जीव इसको कभी भी हटाने की योग्यता नहीं रखता। अभव्य जीव के अंदर केवल ज्ञान होता है, लेकिन उसको कभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। यह कंफ्यूजिंग बातें हैं। मुनिश्री ने समझाया कि शक्ति रूप केवल ज्ञान जो आवरण के कारण से कभी नहीं होता है, उसे समझने के लिए हमें द्रव्यायतिक और पर्यायतिक नयों का आलंबन लेना होगा। द्रव्यायतिक नय द्रव्य के स्वभाव उसकी शक्ति को बताता है, पर्यायतिक नय पर्याय और पर्याय की शक्ति को बताता है। पर्याय में उसके अंदर परिणमन स्वभाव हो जाता है, बिना परिणमन के वह केवल द्रव्य ही रहता है। जैसे जो पानी में पकी दाल की पर्याय बदल जाती है, लेकिन थर्रा मुंह परिवर्तित नहीं होती, वह दाल होते हुए भी खाई नहीं जाती। इसी प्रकार पर्यायतिक नय से केवल ज्ञान भी एक पर्याय है, परिणति है, जो प्रकट होनी चाहिए, लेकिन अभव्य जीव में यह प्रकट नहीं होती। अभव्य जीव में द्रव्यायतिक नय से केवल ज्ञान कहा जाएगा, पर्यायतिक नय से केवल ज्ञान कभी नहीं होगा। हमने जाना कि द्रव्य की शक्ति और पर्याय की शक्ति दो अलग अलग चीजें हैं। द्रव्यायतिक नय से द्रव्य की निहित शक्ति तब तक किसी काम की नहीं जब तक उसकी पर्याय प्रकट ना हो। पर्याय के प्रकट होने से द्रव्य की महत्ता बनती है। केवल ज्ञान अरिहंत दशा की पर्याय प्रकट होने से जीव द्रव्य पूजित हो जाता है। मुनिश्री ने समझाया कि द्रव्य दृष्टि रखने वालों ने आज पर्याय दृष्टि को ओझल कर दिया है और एकांत मिथ्या दृष्टि हो गए हैं। सभी जीव द्रव्यों का ज्ञायक स्वभाव है, लेकिन उसका प्रयोजन पर्याय में उसके प्रकट होने से है। भव्य में यह पर्याय प्रकट होती है, सम्यक दर्शन की पर्याय आने से उसकी योग्यता बढ़ती है। तो चलिए अब हम चलते हैं
कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जैसे दाल होती है, तो दाल में जो दाल पानी में पक गई, परिणमन कर गई, तो उसकी दाल की पर्याय बदल गई, और जिस दाल में दाल जैसी दिखते हुए भी वो परिवर्तित ना हो, वो ठर्रा मूठ की तरह हो, तो वह दाल दाल तो कहलाएगी, लेकिन कभी भी वो दाल की पर्याय ऐसी नहीं बनेगी कि वो खाई जाए। दोनों मंत्र हो गया। इसी तरीके से दो नयों के आलंबन से इस चीज को सिखाया जाता है कि द्रव्य की जब शक्ति की बात आए, द्रव्य के स्वभाव को बताने की बात आए, तो आप द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा समझना। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति है, पर्यायार्थिक नय से केवल ज्ञान की पर्याय जो प्रकट होनी चाहिए वो प्रकट नहीं होगी, इसलिए पर्यायार्थिक नय से उसमें कभी भी वह पर्याय पर्याप्त उत्पन्न नहीं होगी, प्रकट नहीं होगी। तो अभव्य जीव में द्रव्यार्थिक नय से केवल ज्ञान कहा जाएगा, पर्यायार्थिक नय से केवल ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए केवल ज्ञान को भी एक पर्याय कहा जाता है, क्योंकि यह भी एक परिणति है, एक परिवर्तन है, जो ज्ञान का इस रूप में परिवर्तन हो जाना कि वो ज्ञान बिल्कुल सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष देखने लग जाए, वह ज्ञान की परिणति जो केवल ज्ञान के रूप में हो रही है, वह केवल ज्ञान भी एक पर्याय है, और यह पर्याय की शक्ति का प्रकट होने से ही होगा। तो दो चीजें हो गई, एक द्रव्य की शक्ति और एक पर्याय की शक्ति। अब आप देखो, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य की शक्ति तो निहित है जो उस द्रव्य में है, लेकिन वह द्रव्य की शक्ति तब तक कोई काम की नहीं है जब तक कि उसकी पर्याय प्रकट ना हो। समझ आ रहा है? इससे आप यह समझ सकते हो कि पर्याय जो प्रकट होगी वही उस द्रव्य की महत्ता को बनाएगी। द्रव्य से महत्ता नहीं बनती कि द्रव्य में शक्ति है इसलिए यह द्रव्य महत्वपूर्ण है, पर्याय अगर वो प्रकट हो गई तो द्रव्य की महत्वपूर्णता बन जाती है, तभी उस जीव के अंदर भव्यता प्रकट हो गई कहा जाएगा, जिसमें सम्यक दर्शन हो गया, केवल ज्ञान हो गया, अरिहंत दशा प्रकट हो गई, पर्याय की प्रकटता से आएगा। सुन रहे हैं ना, द्रव्य दृष्टि रखने वाले लोग विशेष रूप से सुने, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य पर दृष्टि रखो, द्रव्य दृष्टि से ही सम्यक दर्शन होता है, द्रव्य दृष्टि से ही केवल ज्ञान होता है, द्रव्य दृष्टि से क्या होता है, द्रव्य दृष्टि का महत्व है कि पर्याय दृष्टि का महत्व है, यहां देखो आप, समझ आ रहा है? इस द्रव्य दृष्टि ने पर्याय की दृष्टि को इतना ओझल कर दिया है कि द्रव्य दृष्टि भी एकांत रूप से मिथ्या दृष्टि हो गई है, पर्याय की दृष्टि को इसने ओझल कर दिया है। द्रव्य का महत्व भी पर्याय के माध्यम से आ रहा है, केवल ज्ञान की पर्याय आ गई तो उस द्रव्य के अंदर वह पर्याय प्रकट होने के कारण से उस द्रव्य की महत्ता होगी जो अरिहंत की तरह पूजा जाएगा, नहीं तो निगोद पर्याय में ही वो जीव पड़ा रहेगा। द्रव्य में शक्ति है, द्रव्य में ज्ञायक स्वभाव है, द्रव्य में उसकी अपनी सत्ता निहित है, या द्रव्य का वह स्वभाव है, उससे कुछ नहीं होने का। द्रव्य का सबका स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव सभी द्रव्यों का है, उससे क्या होने जाने का है? पर्याय में वो चीज प्रकट होनी चाहिए, भव्य में ये पर्याय प्रकट होती है, तब जाकर के उस मिथ्यात्व का अभाव होता है, सम्यक दर्शन की पर्याय आती है, तब जाकर के वह द्रव्य की योग्यता बढ़ती है। तो जिस द्रव्य में योग्यता प्रकट हो जाए उसी को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, और वही महत्व का होता है।
पूज्यता उसी की होती है, इंपॉर्टेंस उसी की होती है। दुनिया में भी वही पूजा जाता है जिसमें योग्यता है। योग्यता का मतलब क्या है? आप उस अपनी शक्ति को प्रकट कर लेते हो या प्रकट करना जानते हो, उस शक्ति का उपयोग कर रहे हो तो योग्य हो, और शक्ति है कोई उसकी उपयोगिता नहीं तो आप अयोग्य हो। तो अयोग्य को तो कहीं एडमिशन मिलता ही नहीं। तो द्रव्य दृष्टि से तो सभी केवल ज्ञानमय हैं। सुन रहे हैं ना द्रव्य दृष्टि वाले? द्रव्य दृष्टि से तो चाहे भव्य जीव हो चाहे अभव्य जीव हो, सब में केवल ज्ञान पड़ा है। द्रव्य दृष्टि से सब बराबर है। तो द्रव्य दृष्टि से हम किसमें क्या देखेंगे? हमें अगर डिफरेंस दिखाई देगा तो हमें पर्याय दृष्टि से, आपने उसमें क्या परिणमन कर लिया, जो चेंजेशन आता है किसी भी चीज में वही तो महत्वपूर्ण होता है। आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाए जाने के बाद भी आप जिस क्लास में बैठे हो आप उसी क्लास में 3 साल से पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप में कोई परिणमन नहीं हो रहा है। पर्याय का मतलब हाँ टू चेंज, कुछ नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा है इसी का मतलब है कि आप एक ही जगह पर बैठने योग्य हो, माने आपकी कोई योग्यता नहीं बढ़ रही है क्योंकि आपकी पर्याय बदल नहीं रही है। द्रव्य तो सबका अनंत ज्ञानमय है, उससे क्या होना जाना है, समझ आ रहा है ना? तो पर्याय दृष्टि का भी महत्व तो समझो। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि दुनिया में द्रव्य दृष्टि इतनी हो गई है कि सब द्रव्य दृष्टि से ही हर द्रव्य को देख रहे हैं, उससे क्या होएगा? पूज्यता और अपूज्यता का व्यवहार, हमारे अंदर किसी भी तरीके का उत्साह, हमारे अंदर मोटिवेशन अगर आएगा तो सामने वाले की पर्याय को देख करके आता है। द्रव्य को देख करके क्या आता है? द्रव्य तो सभी के बराबर है। जिसके अंदर कोई ज्ञान प्रकट हो रहा है, जिसके अंदर कोई योग्यता प्रकट हो रही है, वही उसकी पर्याय है। वो योग्यता हमारे अंदर भी पड़ी है, हम वैसी योग्यता में जब तक परिणमन नहीं कर रहे हैं तब तक हम उससे सीखते रहेंगे, और जिस दिन हम भी वैसा परिणमन कर जाएंगे हम भी सिखाने लग जाएंगे। ये किसका काम है? द्रव्य का काम नहीं है, ये द्रव्य की पर्याय रूप होने की योग्यता के कारण से है। इसलिए द्रव्य का जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व उसकी पर्याय का है, जो उस द्रव्य को योग्य और अयोग्य बनाता है। समझ में आ रहा सबको? इसलिए कह रहा हूं चाहे मने परे ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञान हो, सब ज्ञान सबके अंदर पड़े हैं, अभव्य में भी पड़े हैं। इसलिए द्रव्य दृष्टि से सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन पर्याय दृष्टि से जिनके ज्ञान प्रकट हो गए वो ज्ञानी कहलाएंगे, वो उस 48 रिद्धियों के पाठ में आएंगे। नमो मण पज्जवणाणीणम, नमो उजमदीणम, नमो व्योल मदीणम, ऋजुमति मने परे ज्ञानियों को मेरा नमस्कार हो, विपुलमति मने परे ज्ञानियों को मेरा, कौन से ज्ञानियों को? सबके अंदर तो ज्ञान है महाराज, द्रव्य दृष्टि से देखो सब में ज्ञान पड़ा है। जिनके अंदर ज्ञान पड़ा है सबके अंदर, उनको नमस्कार नहीं हो रहा है। नमस्कार किसको हो रहा है? जिसमें पर्याय दृष्टि से वो पर्याय प्रकट हो गई हो। तो पर्याय दृष्टि से ही पर्याय को देखा जाता है, और देखो पर्याय ही द्रव्य का मूल्य करा रही है। पर्याय अगर उसकी बदल गई तो द्रव्य का मूल्य हो जाता है। सोना पड़ा हुआ है पत्थर के अंदर, अगर उस पत्थर में से सोना निकल गया और सोना अपना पूरा प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद में वो बिल्कुल गोल्ड के रूप में आ गया, तो उसके कारण से उस सोने की जो वैल्यू बढ़ गई वो क्या बढ़ गई? वो उसकी पर्याय चमक गई, उससे उस सोने की कीमत बढ़ गई। नहीं तो सब उसको पत्थर की तौल में तौर रहे थे, सब उसको पत्थर की तरह उसका यूज कर रहे थे, और जब वो सोने के रूप में आ गया तो सोने की तरह ट्रेजरी में रख करके रख रहे हैं। समझ आ रहा है? उसको रखने के कारण से अपने आप में मैं इतना सोने का मालिक हूं, इतना मेरे पास इतने लाख का सोना है, उससे फीलिंग आती है कि हाँ मैं कुछ हूं। पत्थर को कौन रखता ट्रेजरी में? समझ लो, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि का मतलब है केवल पत्थर को देखना, और पर्याय दृष्टि का मतलब है पत्थर में सोना देखना। समझ आ रहा? द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि का मतलब है केवल चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो सब में ज्ञान देखना, और पर्याय दृष्टि का मतलब है जिनमें ज्ञान प्रकट हो गया है
जो जिनेन्द्र देव बन गए हैं, जो अरिहंत हो गए हैं, उनमें ज्ञान देखना ऐसा ज्ञान होता है। उनमें क्या ज्ञान दिखेगा? अभव्यों में क्या ज्ञान दिखोगे? वो तो अस्तित्व सिर्फ इसलिए वहां बताया जा रहा है द्रव्यार्थिक नय से, क्योंकि अगर ये भी नहीं मानेंगे तो फिर इन ज्ञानावरण कर्मों का भी वहां कोई काम नहीं है, क्योंकि आवरण तो उसी चीज के ऊपर होगा जो कोई चीज को आवरित किया जाए। आवरण करने वाली भी चीज होनी चाहिए और आवरण के योग्य भी चीज होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तब तो वो आवरण कहलाएगा, नहीं तो आवरण किस चीज का। तो द्रव्य दृष्टि से वहां पर केवल ज्ञान है, लेकिन वह केवल ज्ञान वहां पर कभी भी कोई भी किसी भी तरह का काम का नहीं, किसी भी तरह का उस ज्ञान की कोई योग्यता नहीं। योग्यता जो आएगी ज्ञान में वो पर्याय दृष्टि से ही आती है, इसलिए पर्याय दृष्टि से आपको द्रव्य की ओर दृष्टि डालना चाहिए। जिनमें पर्याय प्रकट हो गई है उनके द्रव्य को देखो, और वैसी पर्याय हमारे द्रव्य में प्रकट हो ऐसा सोचो। नहीं आया समझ में? द्रव्य दृष्टि से तो सब ऑल आर सेम, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो। पर्याय दृष्टि का यह महत्व है कि जिसके कारण से हम समझते हैं ये हमारे लिए पूज्य हो गया, ये योग्य हो गया, इससे हमें सीखना है, ये हमसे बड़ा हो गया, इसकी पर्याय प्रकट हो गई, इसमें पुरुषार्थ आ गया, इसने अपना कार्य कर लिया। तो दुनिया में सब कुछ पर्याय से ही चल रहा है। आपको कहीं भी जॉब मिलती है आपकी द्रव्य दृष्टि से नहीं मिलती है। किस दृष्टि से मिलती है? सबने IIT कर ली, कर लो, सबके पास में IIT का सर्टिफिकेट है, सबको मिल जाती जॉब क्या? उसमें भी आपको अपनी वो योग्यता दिखानी पड़ती है कि हम किस काम के कितने योग्य हैं। आपके लिए केवल IITian होना जरूरी नहीं है, उसके साथ आपकी अपनी योग्यता भी होनी चाहिए कि हम कितना काम कहां पर कितनी स्थिति में बैठ करके कर सकते हैं। वो भी चीज आपकी पर्याय है, और उस पर्याय में भी आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में हमने IIT का केवल प्रमाण पत्र नहीं लिया है, हमें उसके साथ कुछ नॉलेज भी आई है, हमारे अंदर कुछ चेंज भी आया है। नहीं तो प्रमाण पत्र कहीं किसी को मिल भी जाए तो जॉब तो सबको नहीं मिल जाएगी। तो हर चीज पर्याय के साथ ही महत्वपूर्ण होती है, समझ आ रहा है? इसलिए द्रव्य दृष्टि की जितनी महत्ता रखते हो उतनी पर्याय दृष्टि की भी महत्व को जानो, ये मुख्य बात है। ये ज्ञानावरण कर्म जो हैं ये हमारी द्रव्य शक्ति को ही रोक रहे हैं और पर्याय शक्ति को भी रोक रहे हैं। इन ज्ञानावरणी कर्मों के अभाव में हमारी पर्याय प्रकट होगी तभी हमारी द्रव्य की शक्ति प्रकट होगी। इसलिए कभी ऐसा नहीं होता कि द्रव्य तो हमेशा सबका शुद्ध बना रहे और पर्याय केवल जो है उस द्रव्य की अशुद्ध बनी रहे, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पर्याय अगर अशुद्ध है तो द्रव्य की अशुद्धता को बता रहा है। अगर उसमें से अभी सोना नहीं निकला है तो पत्थर के रूप में ही है, और जिस दिन पर्याय शुद्ध हो जाएगी उसी दिन उसका द्रव्य शुद्ध हो जाएगा। तो ये लोग इतना गलत सीख रहे हैं दुनिया में, द्रव्य शुद्ध है पर्याय अशुद्ध है, ये सिद्धांत का ज्ञान नहीं होने के कारण से सब सीख रहे हैं और सिखाया जा रहा है। जिस समय पर्याय शुद्ध होगी तभी द्रव्य शुद्ध होएगा। पर्याय प्रकट हो गई यानी द्रव्य में प्योरिफिकेशन हुआ तभी उसकी पर्याय प्रकट हो गई। कोई भी बर्तन आप मांजते हो, धोते हो, तो उस बर्तन में भी जो कुछ भी कालिमा लगी रहती है तो उस बर्तन की ही कालिमा कहलाती है। जब वो बर्तन की कालिमा हट जाती है तभी कहा जाता है हाँ ये बर्तन चमक गया है। अब आप कहो कि नहीं बर्तन तो भीतर शुद्ध है प्योर है, कालिमा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ऊपर ऊपर लगी है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर उसी में दूध पी लो, उसी में दाल खा लो, उसी में ऐसे सब कुछ कर लो, समझ आ रहा है? तो जिस तरह से ये प्रैक्टिकली अपने आप में फिट नहीं है बात, उसी तरीके से आचार्य कहते हैं ज्ञान ज्ञान सब में होता है, लेकिन वह ज्ञान जो प्रकट होएगा वो ही हमारे काम का है, जो प्रकट नहीं है वो ज्ञान हमारे कोई काम का है ही नहीं।
तो सोता हुआ पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है। इसलिए ये पांच प्रकार के आवरणों का ज्ञान करके हमें समझना है कि जितना जितना हम अपने ज्ञान का आवरण हटाएंगे उतना ही हमारा ज्ञान उन्नति को प्राप्त होगा। ज्ञान बढ़ेगा तो हमारी आत्मा की उन्नति बढ़ेगी। आत्मा का विकास ज्ञान का विकास इसीलिए कहा जाता है। इसलिए सब कोई ज्ञान के पीछे दौड़ता है, लेकिन वो ज्ञान जो केवल हमारे लिए जॉब के लिए काम आ रहा है उस ज्ञान के पीछे दौड़ने से काम नहीं होगा। वो ज्ञान जिससे कि हमें तत्व का ज्ञान आए, हमारे अंदर स्व और पर का निश्चय हो, वो ज्ञान हमारे काम में आएगा। उससे ये आवरण हटेंगे और उसी के माध्यम से हमारी आत्मा का विकास होगा। ठीक है ना? तो ये ज्ञानावरण को समझना बड़ा जरूरी था, इसलिए आपको ये ज्ञानावरण के माध्यम से ये अपने अंदर कितनी शक्तियां पड़ी हैं, ये ज्ञान की पांच विशेष शक्तियां समझ लो। और उन पांच के भी असंख्यात भेद हैं, क्योंकि एक एक शक्ति भी असंख्यात प्रकार की है। तो इन सब शक्तियों को आवृत करने वाले कर्म अलग अलग टाइप के हैं। इनमें से जितने जितने कर्मों का हम अभाव करते जाते हैं उतना ही हमारा ज्ञान प्रकट होता चला जाता है, और उसी के माध्यम से सब जीवों को पता पड़ता है कि इसके अंदर कितना ज्ञान किस तरह के छह उपशम के साथ में है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। महावीर भगवान की ओम अरहम नमः। तो चलिए आज के कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि जिस द्रव्य में योग्यता प्रकट हो जाए वही महत्वपूर्ण उच्च इम्पोर्टेंट माना जाता है। दुनिया में भी योग्य ही पूजा जाता है। जो अपनी शक्ति को प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करना जानते हैं उन्हें यहाँ योग्य कहा है, और जिनमें शक्ति की उपयोगिता नहीं है वह अयोग्य है। अयोग्य को कहीं एडमिशन नहीं मिलता। मुनिश्री ने समझाया कि द्रव्य दृष्टि से तो भव्य अभव्य सभी केवल ज्ञानमय है, पर्याय दृष्टि से हमें इनमें अंतर दिखाई देता है। किसी भी चीज में हो रहे परिणमन चेंज ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर आपकी पर्याय नहीं बदल रही तो आपकी योग्यता नहीं बढ़ रही। आज दुनिया में हर कोई द्रव्य दृष्टि से देख रहा है, लेकिन पूज्यता और अपूज्यता का व्यवहार पर्याय दृष्टि से होता है, क्योंकि सामने वाले की पर्याय को देखकर ही हमारे अंदर मोटिवेशन आ सकता है। द्रव्य तो सभी के बराबर है। यहाँ पर्याय का अर्थ प्रकट हो रहा ज्ञान योग्यता है। द्रव्य से ज्यादा महत्व उसके पर्याय का होता है, क्योंकि वही द्रव्य को योग्य और अयोग्य बनाती है। मने पर्य ज्ञान केवल ज्ञान तो अभव्य में भी होते हैं, लेकिन 48 रिद्धियों के पाठ में पर्याय दृष्टि से जिनके ज्ञान प्रकट हो गए उन्हीं ज्ञानियों को नमस्कार किया है। जिनके अंदर ज्ञान पड़ा है उनको नहीं। हमने जाना कि पर्याय बदलने से द्रव्य मूल्यवान हो जाता है। जैसे प्योरिफिकेशन के बाद पत्थर में से सोना निकलने पर उसकी पर्याय प्रकट हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। जिसे हम पहले पत्थर में तोलते थे उसी को ट्रेजरी में रखते हैं। पर्याय दृष्टि पत्थर में सोना देखता है। जहाँ पर्याय दृष्टि जिसमें ज्ञान प्रकट हो गए अरिहंत भगवान में ज्ञान देखता है, द्रव्य दृष्टि भव्य अभव्य सब में ज्ञान देखता है। द्रव्यातिक न से अभव्य में ज्ञान का अस्तित्व तो सिर्फ ज्ञानावरण कर्मों के कारण बताया है, क्योंकि अगर आवरण है तो आवरण के योग्य चीज भी होगी। यहाँ केवल ज्ञान होते हुए भी वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें उस ज्ञान की कोई योग्यता नहीं है। ज्ञान में योग्यता पर्याय दृष्टि से ही आती है। जिनमें ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई है उनके द्रव्य को देखकर हमें सोचना चाहिए कि उसमें पुरुषार्थ आ गया है, वह योग्य हो गया है। ऐसे ही पर्याय हमारे द्रव्य में भी प्रकट हो। दुनिया में सब कुछ पर्यायों से चलता है। अगर सब IIT कर लें तो भी जॉब योग्यता दिखाने वाले को मिलती है। केवल IIT का प्रमाण पत्र ही नहीं, उनके अंदर कुछ नॉलेज और चेंजेस भी आने चाहिए। हमने जाना कि ज्ञानावरण कर्म हमारी द्रव्य और पर्याय दोनों की शक्ति रोकते हैं। इनके अभाव में हमारी पर्याय प्रकट होगी और तभी द्रव्य की शक्ति प्रकट होगी। जब पर्याय शुद्ध होगी तभी द्रव्य शुद्ध होगा। जब द्रव्य शुद्ध होगा तभी उसकी वह पर्याय प्रकट होगी। ऐसा नहीं होता कि द्रव्य शुद्ध हो और उसकी पर्याय अशुद्ध। जैसे बर्तन पर लगी कालिमा को
हम शुद्ध नहीं मानते, उसे बर्तन की ही कालिमा कहते हैं और उपयोग में नहीं लेते। उसी प्रकार प्रकट हुआ ज्ञान ही हमारे काम का है, अंधकार में अप्रकट ज्ञान हमारे काम का नहीं है। जॉब के काम आने वाला ज्ञान भी हमारे काम का नहीं है। अपने अंदर स्व पर का निश्चय कराने वाले ज्ञान से ही हमारे ज्ञान पर पड़े आवरण हटेंगे और उसे ही हमारी आत्मा का विकास होगा। इसलिए ज्ञान के विकास को आत्मा का विकास कहते हैं। ज्ञानवरण को समझकर हम आत्मा की पांच शक्तियों और उनके असंख्यात भेदों को समझ सकते हैं। जितना उनको आवृत करने वाले कर्मों का अभाव होता है, उतना ही हमारा ज्ञान प्रकट होता जाता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सभी जीव केवल ज्ञानमय किस दृष्टि से हैं? भव्य दृष्टि से, अभव्य दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से। अध्याय 8 की कक्षा 20 के आज के सवाल का सही उत्तर है मना पर्याय ज्ञानावरण कर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके। और ये ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः। गाड़ी का पटरी से उतरना भी असंयम है, गाड़ी का कहीं पर ठुक जाना भी असंयम है। अब अगर गाड़ी पटरी से उतरी है तो उसको पुनः पटरी पर लाना, गाड़ी कहीं अपनी रोड से हटी है तो पुनः रोड पर लाना, ये अगर संभव हुआ तो आपके लिए वह असंयम भी आपको बचाने में थोड़ा सा हेल्प करने वाला हुआ कि भाई चलो असंयम करके भी आप पुनः संयम पर आ गए। नहीं करने योग्य कार्य करते हुए भी आपने फिर समझ लिया कि यह गलत जगह गाड़ी चली गई, गाड़ी पटरी से उतर गई, पुनः अपनी गाड़ी को वापस लाना, यह भी क्या हो गया। आपको पता है अगर यह करने योग्य है, यह आपके दिमाग में रहेगा तो संयम आपके दिमाग में रहेगा। जब आपके दिमाग में यह आ गया कि यह नहीं करने योग्य कार्य ही करने योग्य है, तो फिर आपकी जीवन की सुरक्षा का बीमा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं बना सकती। क्या सुन रहे हो?
जब तक आपके दिमाग में यह है कि यह नहीं करने योग्य कार्य था, भाई दोस्तों के कहने में कर लिया। लेकिन जब आपके दिमाग में यह आ गया कि नहीं करने योग्य कार्य ही करने योग्य है, इसी में ही मजा आता है, तो फिर आपका जीवन असुरक्षित हो गया, असंयमित हो गया। अब आप अपनी गाड़ी को बहुत दिनों तक सही सलामत चला नहीं सकते हो। आप एक बार पार्टी में गए, आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टी में जाने के बाद में अगर हमने एंजॉय कर लिया तो हमने उसमें कौन कौन सी गलतियां कर ली। उस गलती को करने के बाद में अगर आपको पश्चाताप नहीं है तो फिर आपका जीवन अब असंयम की लाइन पर चलने को तैयार हो गया। कोई भी तरह का गलत काम अगर कोई बच्चा कर लेता है तो उसे यह समझ में आ जाना कि यह हमें करने योग्य नहीं था, हमने कर लिया है, तो भी वह माफ करने के योग्य होता है। पहला खून तो सभी कोई माफ कर देता है, नहीं समझ है? पहली गलती हर किसी के द्वारा माफ करने योग्य होती है। गुरुजन भी माफ कर देते हैं, भगवान भी माफ कर देंगे पहली गलती। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चलने का नाम ही जीवन समझते हैं, उसी का नाम मस्ती समझते हैं, उसी का नाम एंजॉय समझते हैं, तो फिर आपको समझाने वाला भगवान भी उतर आए तो नहीं समझा सकता। हमें गाड़ी मिली है तो उस गाड़ी को सुरक्षित तरीके से चलाना है, और सुरक्षित चलाने के लिए दो चीजें ध्यान में रखना है। गाड़ी पटरी से उतरनी नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी जिस रोड पर चलने के लिए है उसी रोड पर चलेगी तो अच्छी चलेगी, टायर ट्यूब सब सुरक्षित रहेंगे। और अगर गड्ढे में चलाओगे तो धीरे धीरे गाड़ी गड्ढे में गिर पड़ेगी। तो गाड़ी को खराब करने के दो तरीके हैं, एक तो उसे पटरी से उतार देना, कच्ची सड़कों पर गड्ढे वाली सड़कों पर चलाना, और दूसरा उसे कहीं पर जाकर के अच्छी स्पीड में ले जाकर के ठोंक देना। और दोनों तरीके के खतरे आपकी जिंदगी के खतरे हैं। ये जो पार्टी का शौक, ये जो तरह तरह के गलत तरीकों से एंजॉय करने का शौक, ये शौक तो है लेकिन ये जिंदगी को गड्ढे में डालने जैसा है। आपकी जिंदगी थोड़ी देर के लिए गड्ढे में जाती है और उस गड्ढे में से फिर आप थोड़ी देर बाद होश में आकर के गड्ढे से निकल भी आते हो। फिर आपको दिखाई देती है कि रोड अलग चल रही है, लेकिन आपके पास में अब रोड तक पहुंचने का टाइम नहीं होता है, तो आप फिर से थोड़ा सा आगे चलते हो और फिर एक गड्ढे में गिर पड़ते हो। और जब जिंदगी बार बार गड्ढे में गिरती है, बार बार गड्ढे में गिरती है, तो एक दिन पूरी तरह से वो गड्ढे में गिर करके चोटिल होकर के समाप्त हो जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, USA। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं, अनेक विद्यालयों में प्रोफेसर्स, 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।